दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। नाइट्रोजन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पौधे और जानवर नाइट्रोजन की सहायता से प्रोटीन बनाते हैं, जो कि हमारी सेल्स को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे आसपास की हवा का 78% भाग नाइट्रोजन है, लेकिन न तो पौधे और न ही जानवर नाइट्रोजन को सीधे हवा से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनरिएक्टिव होती है। लेकिन पेड़ पौधे कुछ नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स जैसे कि नाइट्रेट्स को मिट्टी से प्राप्त कर सकते हैं, और जब जानवर इन पौधों को खाते हैं तो वे भी अपनी नाइट्रोजन की भरपाई कर लेते हैं। इस वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल पर चर्चा करेंगे। ये हमारे पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन का मूवमेंट होता है। नाइट्रोजन लगातार हवा, मिट्टी और जीव जंतुओं द्वारा साइकिल होती रहती है। हवा में उपस्थित नाइट्रोजन के मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स में बदलने की प्रक्रिया को फिक्सिंग कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से चार तरीकों से होती है। नंबर वन, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, जिन्हें पौधे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेग्यूम फैमिली के कुछ सदस्यों जैसे कि मटर, बीन्स और क्लोवर की जड़ों की गांठों में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं। नंबर टू, मिट्टी में रहने वाले डीकम्पोजर्स जानवरों के मल और मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को विघटित करके नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में रिलीज करते हैं। अमोनिया पहले नाइट्राइट में बदलती है और फिर मिट्टी में रहने वाले नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इसे नाइट्रेट में बदल देते हैं। नंबर थ्री, लाइटनिंग यानी बिजली से एटमॉस्फेयर में कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड फिर बारिश में घुलकर नाइट्रिक एसिड बनाती है। नाइट्रिक एसिड युक्त बारिश का ये पानी मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पर भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो नाइट्रिक एसिड में बदल जाती है। निश्चित ही ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का एक प्राकृतिक तरीका नहीं है। और फाइनली, समुद्र में उपस्थित ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ स्पीशीज, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये समुद्री जीवों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। यहाँ भी जमीन की तरह ही नाइट्रोजन एक साइकिल में रहती है। ये थे नाइट्रोजन फिक्सिंग के कुछ प्राकृतिक तरीके। नाइट्रोजन फिक्सिंग का लगभग 30% भाग फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किए जाने वाला हेबर प्रोसेस कवर करता है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन्स बनाने के लिए आवश्यक हैं, प्रोटीन्स सेल्स बनाने के लिए आवश्यक हैं, सेल्स के बनने से ग्रोथ होती है, इसलिए मिट्टी में नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है, ताकि पौधों की ग्रोथ को बढ़ावा मिले। और जैसा कि हमने पहले देखा था, फॉसिल फ्यूल के जलने से भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ जाती है, जो बारिश के पानी में डिसॉल्व होकर नाइट्रिक एसिड बनाती है, जो कि फिर मिट्टी में नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ा देता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल को बिगाड़ देता है और एक पूरे रीजन के इकोसिस्टम और इकोलॉजी को प्रदूषित कर देता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा उसे एसिडिक बना देती है। ये नाइट्रोजन नदियों और झीलों में भी पहुंच जाती है और एक पॉलिटेंट का काम करती है। वाटर लॉग्ड सॉइल्स जैसी कुछ कंडीशंस में मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को ब्रेक करके नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ये मिट्टी को कम उपजाऊ बना देती हैं। तो इस वीडियो से आप ये समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करता है। नाइट्रोजन जीवन के लिए आवश्यक है और पौधों और फिर जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इसे फिक्सिंग की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन हवा, मिट्टी, सजीवों और वाटर सिस्टम्स के जरिए लगातार साइकिल होती रहती है।